क्या है ये? यहाँ कोई आया था क्या? अब यहाँ कौन आएगा? अब हाँ, वो बिल्ली आई थी ना, वो गिरा के चली गई। तू पक्का मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रही? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तू यहाँ किसी से बात कर रही थी? अभी भी तहकीकात पूरी नहीं हुई तेरी? आई पे शक कर रही है? मुझे मालूम है ये नंदिनी ने तेरा दिमाग खराब करके रखा है। अरे आई की जासूसी कर रही रात को आके? चल जा, जाके सो जा, जा यहाँ से। आई तो उसे क्यों इसमें रहने देना? क्यों शक कर रही है? चुप, चल सो जा। सोनाक्षी जी, उस दिन घर से निकलने से पहले कृष्णा ने आपसे कुछ कहा था क्या? सर, मैंने उस दिन कहा था ना आपसे कि एक्सक्यूज मी। हाँ, हेलो। नमस्ते मैडम जी, मैं संस्कृति साड़ी शॉप से बोल रहा हूँ। हाँ अनूप जी, बोली बोली मैं पहचान गई। नमस्ते। हाँ, वो क्या था मैडम जी कि वो कुछ बकाया बाकी था ना, इसलिए। बकाया? कुछ दिन पहले कृष्णा जी आए थे, वो दो साड़ी लेकर गए थे, कह रहे थे कि आपको सरप्राइज दूंगा, और इसीलिए मुझसे मना कर दिए थे किसी से नहीं कहने के लिए। अनूप जी, मैं आकर आपका सारा पैसा चुका दूंगी, प्लीज मुझे उन साड़ियों का बिल चाहिए। क्या बात है सोनाक्षी जी, ये टेलीफोन कॉल आने के बाद आपके एक्सप्रेशन बिल्कुल चेंज हो गए, कोई परेशानी? ये दुकानदार कह रहा था कि कृष्णा ने ब्लास्ट वाले दिन ही दो साड़ियाँ खरीदी है उसकी दुकान से, और उसने मुझे तो कोई साड़ियाँ नहीं दी, ना ही मेरे घर पे कोई साड़ियों के पैकेट्स हैं। जिसके लिए साड़ियाँ खरीदी गई थी उस तक पहुँच गई। मतलब? वो मतलब छोड़िए, मतलब मैं आपको बाद में समझाऊंगा। फिलहाल आप एक काम करें, वो जो बिल दुकान वाला आपको देगा, हाँ, वो जितनी जल्दी हो सके यहाँ पहुँचवा दें आप। जी सर। वो बिल हमारे लिए एक बहुत अहम सबूत साबित हो सकता है। डॉक्टर संगीता का पता मिल गया है। अभी केस जीतने से कोई नहीं रोक सकता मुझे। नंदू, चल चल चल। अरे कहाँ सुमी? चल मेरे साथ। लेकिन जा सुमी। अरे ज्यादा पूछ कर बस चल। पर हुआ क्या है? आज डॉक्टर, मैं सुमति और ये नंदिनी। नंदिनी का रेप हुआ है। नंदिनी प्रेग्नेंट है। नंदिनी, तुम तो वही हो ना जो कुछ साल पहले? दरअसल नंदिनी के साथ जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ और सिर्फ आप जानती, और सिर्फ आप ही जानती कि वो रेप किसने किया था। डॉक्टर प्लीज, आपकी गवाही से नंदिनी के पति प्रेम बेकसूर साबित हो सकते। मुझे आप इस कचहरी के चक्कर से दूर ही रखे तो अच्छा है। मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं कोई गवाही नहीं दे सकती। आप जाइए प्लीज, आप जाइए यहाँ से प्लीज। मेरे पति प्रेम मौत की कगार पर खड़े। डॉक्टर, वो निर्दोष है और एक आप ही हैं जो उन्हें बचा सकती है। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ डॉक्टर, प्लीज प्लीज हमारी मदद कीजिए। आप प्लीज प्रेम को बचा लीजिए। अगर उन्हें कुछ हो गया तो मैं जीते जी मर जाऊंगी। ठीक है, मैं आपकी मदद करने को तैयार हूँ। इन्हीं सबूत के बूते पर मेरे कृष्णा को दोषी साबित करना चाहती थी ना सुमी? ले, चल गए सारे पेपर। अब मेरे कृष्णा को कुछ नहीं हो सकता, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता मेरे बेटे का, कोई नहीं।